गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कुक विद ज्योति चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट बनने वाली सब्जी है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं भरवा बैंगन। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमारे आधा किलो बैंगन है जो मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस में लिए हैं। जितने छोटे हो सके आप उतने ही छोटे लेना, अगर ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लिए हल्दी, ये है एक चम्मच, डेढ़ चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधी से कम गरम मसाला, एक छोटी चम्मच काला नमक, दो चुटकी हींग, ये एक चम्मच जीरा है, ये है एक चम्मच चाट मसाला, कुछ पत्ती धनिए की, और ये हमारा ऑयल, एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया, एक आधी चम्मच, छोटी चम्मच है ये, अमचूर। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं भरवा बैंगन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें बैंगन की कटिंग कैसी करनी है। सबसे पहले हम अपने बैंगन को चेक करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये बैंगन हमारा खराब था तो हम इसे अलग कर देंगे। इसी तरह से काटते हुए बैंगनों को चेक भी करें और कटिंग करते चलेंगे। तो हमें ऐसे चार पीसेस में अपने बैंगन काटने हैं, आप देख सकते हैं। और इससे हमें बीच बीच में ये भी पता लगता रहेगा कि हमारे बैंगन में कीड़ा तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपने सभी बैंगन इसी तरह से काट लें। अगर आपके बैंगन ज्यादा छोटे हैं तो उन्हें सिर्फ दो पीसेस में काटें, इनके चार पीसेस ना करें। तो फ्रेंड्स, हम अब अपने सारे बैंगन इसी प्रकार काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं सारे बैंगन काटने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हमें सारे मसाले किस तरह से मिक्स करने हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए हम सारे मसाले किसी एक बड़े उसमें मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया, अब मैंने लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी हल्दी डाल दी, फ्रेंड्स अब हम इसमें अमचूर डालेंगे, अमचूर ज्यादा ना ले। अब इसमें सूखा धनिया डालेंगे, अपना गरम मसाला भी इसी में ऐड कर देंगे, काला नमक डालेंगे, और ये है हमारा चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आधी हींग इसमें अभी डाल देंगे और आधी हींग जब हम तड़का लगाएंगे जब डालेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमें इसमें मसाला कैसे भरना है। हमने अपना ये बैंगन लिया, किसी छोटी चम्मच की हेल्प से अपना मसाला डालना, इसमें फैलाते हुए इस तरह से डालना, बहुत ही आराम से बंद करिएगा नहीं तो मसाला उड़ के सारा नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे बैंगन में मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है। तो
तो हम इसी प्रकार से सारे बैंगनों में अपना मसाला डाल लेंगे। और अब हम मिलते हैं बैंगनों में मसाला लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपने सभी बैंगनों में मसाले भर लिए हैं। अब चलते हैं इन्हें बनाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं भरवा बैंगन बनाने के लिए। सबसे पहले हम अपने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। हमारी कढ़ाई गर्म होने वाली है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे और गर्म होने का वेट करेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। दो चुटकी हींग। हमने हींग और जीरा दोनों चीज डाल दी है। अब हल्का सा ब्राउन होने का मैं वेट कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, हमारा जीरा ब्राउन होने लगा है। हम इसे ज्यादा नहीं जलाएंगे, लाइट ब्राउन रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जीरा लाइट ब्राउन होने लगा है। हम इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ मसालों का यूज करेंगे। अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो आप बनते हुए बैंगनों में जब बैंगन आधे बन जाएं, तो उसमें आप एक नींबू डाल सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे अपने बैंगन छोड़ेंगे, ज्यादा ऊपर से ना डालें फ्रेंड्स, नहीं तो आपको तेल की छूट लग सकती है। गैस का फ्लेम धीरे कर दें और जो हमने बैंगन मसाले डाल के रखे हुए थे, आप देख सकते हैं उसने अपना पानी छोड़ दिया है, तो काफी मसाले इसमें रह चुके हैं। तो हम इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। और अच्छे से ला देंगे। सभी बैंगनों पे ऑयल लग चुका है। ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, तो इन्हें बहुत जल्दी जल्दी संभालना पड़ता है, नहीं तो ये कढ़ाई में लगने का डर है। और अगर आपका एक भी बैंगन जल गया तो सारे बैंगनों में जलने की स्मेल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे हम ढक देंगे और ठीक 2 मिनट के बाद इसे हम दोबारा से संभालेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं अपने बैंगन को। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगन नीचे तरीके से पक चुके हैं। अब इन्हें पलट देंगे हम। हल्का हल्का हमारा मसाला नीचे लगने लगा है।
जो कि मैंने प्लेट में बचा हुआ पानी डाला था। सभी बैंगनों को एक एक करके पलटेंगे। देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके अपने सभी बैंगनों को पलट रही हूँ। जो बैंगन ज्यादा कच्चे हैं उन्हें हम नीचे की तरफ कर देंगे। लगभग लगभग हमारे सारे बैंगन पलट चुके हैं। अब इन्हें हम दोबारा से ढक करके 2-4 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं अपने बैंगन को। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। हमारे बैंगन तैयार हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालूंगी। गरम मसाला डालें। अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तो आप थोड़ा सा ऊपर से डाल करके ऐसे मिला सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी है। आप चलते ही सर्व करने लीजिए। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे भरवा बैंगन तैयार है और अब हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये अंदर से भी कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भरवा बैंगन बनाना कितना इजी है और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसको पराठे, पूरी, सब्जी, रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ खाए बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।